हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे नॉइस की तरफ से आने वाली नॉइस को टू बज स्मार्ट वॉच का, जो कि ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ आती है। तो इसका लुक्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया है। और बाकी इसके फीचर्स भी काफ़ी ठीक ठाक हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बॉक्स कंटेंट में अगर बॉक्स पे देखें तो ये सब चीज़ें दिखाई गई है कि क्या क्या इसके अंदर आता है, जैसे कि 1.228 इंच की इसमें स्क्रीन आती है। बाकी आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबी नहीं हो जाए इसलिए आगे बढ़ते हैं और बॉक्स ओपन करते हैं। ठीक है, बॉक्स ओपन करते ही टिपिकल नॉइस का लोगो, स्टिकर वगैरह बॉक्स के अंदर आते हैं। ऋषभ पंत का एक फ़ोटो आता है, बाकी स्टिकर्स आते हैं जो कि आप कहीं भी लगा सकते हैं। चलिए इनको साइड रखते हैं, बाकी देखते हैं वॉच कैसी क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है। मुझे तो ठीक ठाक लग रही है, प्रीमियम दिख नहीं रही है। चलो खोल के देखते हैं क्या होता है। तो जी हाँ, जैसे कि मैं सोच रहा था वैसे ही है। कुछ 2000 रुपये वाली वॉच लग रही है, जो कि मैंने इसको इसी रेट पे मंगाया है, तो उतनी कुछ खास प्रीमियम लग नहीं रही है मुझे। बाकी मैंने YouTube पे बड़ा सर्च किया था पहले, लेने से पहले, कि कोई अच्छा मतलब कोई रिव्यू बताए इसके बारे में, कि ताकि मैं इसको लूँ, पर कोई भी रिव्यू नहीं थे इसके YouTube पे। तो मैंने सोचा कि चलो खुद ही बुला लूँ। तो अभी तो मुझे कुछ खास ठीक नहीं लग रही है, चलो फिर भी देखते हैं, ट्राई फटा के देखते हैं कैसा क्या है। स्क्रीन भी काफ़ी छोटी दिख रही है, डायल बहुत बड़ा दिया हुआ है। चलो वो कोई बात नहीं, बाकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी देते तो मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता। पूरा टोटल कॉस्ट कटिंग की गई है। और हालांकि अगर आप काम चलाना चाहो और अच्छा मतलब ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ राउंड डायल में आपको चाहिए, अच्छा ब्रांड चाहिए, तो आप इसको फिर भी यूज़ कर सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस में ज़्यादा नहीं है स्मार्ट वॉच के उसमें, तो मैं आपको ज़्यादा एडवाइस दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरी भी ये सेकेंड वॉच है मेरी, मतलब ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ ये पहली वॉच है मेरी। तो मेरे पास इससे पहले भी नॉइस की वॉच थी, पर उसका ये क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो अभी इसका ये जो बक्कल दिया हुआ है, बहुत ही लो क्वालिटी का चीप प्लास्टिक दिया हुआ है। मतलब इतनी मैं 2000 रुपये किसी किसी के लिए बहुत बड़ी रकम भी होती है, तो कभी किसी के हाथ से गिर गई, टूट गई, ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ज़्यादा कुछ दम नहीं है इसमें, हालांकि बॉडी ठीक ठाक है, ये भी प्लास्टिक पार्ट है पूरा, कुछ भी ऐसा फील नहीं आता है कि प्रीमियम है। और हालांकि ब्लैक कलर है, जब स्क्रीन ऑन रहता है, हाथ में है, अपन पहन लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ क्वालिटी का प्रोडक्ट पहना है, पर अपने को पता होता है कि ये पास से देखने पे कि ये लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो चलो ऑन करते हैं वॉच को, देखते हैं, बाहर का तो सब देख लिया, अब अंदर भी देखते हैं क्या है। ऑन कर लेते हैं वॉच को। तो वॉच ऑन हो गई है, मैं इसका सेटअप करके फिर वीडियो आगे में मिलता हूँ। ठीक है, तो वॉच का पहला इंटरफेस इस टाइप से है। मुझे तो डिस्प्ले काफ़ी छोटा दिख रहा है इसमें, इसलिए थोड़ा सा ऑड भी लग रहा है चलाने में, कहाँ टच करें डिस्प्ले पे। डिस्प्ले एक्चुअली सेंटर में दिया हुआ है, कभी कभी ऐसा लगता है कि उसकी डिस्प्ले की बॉडी के ऊपर टच कर दिया अपन ने, तो टच अच्छे से होता नहीं है। तो बीच में सेंटर पे आपको टच करके डिस्प्ले चलाना होगा, क्योंकि डिस्प्ले बीच में छोटा सा दिया हुआ है। तो ये सब दिया हुआ है, आप देख सकते हो। मैंने इसमें अभी बहुत चला के देखी, तो इसमें मुझे एक चीज़ मिसिंग लगा। इन्होंने फ्लिपकार्ट मेंशन किया हुआ है कि इसमें स्ट्रेस मॉनिटरिंग दिया हुआ है, पर यहाँ पे कहीं भी स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है मुझे। और मैंने सब जगह सर्च करके भी देख लिया, अपडेट भी कुछ नहीं आया है। तो ये फ्लिपकार्ट में कुछ गलत बताया गया है, गलत इन्फॉर्म किया गया है कि स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी आता है इसमें। तो ये गलत बात लगी मुझे बहुत ही, यहाँ से मैं डिसअपॉइंटेड हो गया हूँ। और मैं सोच भी रहा हूँ कि शायद इसे वापस भी कर दूँ अगर वापस होता है तो, क्योंकि स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। अगर इतना अपन 2000 रुपये की वॉच ले रहे हैं तो सब कुछ आना चाहिए फिर उसमें। और अगर चलो नहीं भी दे रहे हो तो कम से कम आप मेंशन तो करो कि वहाँ पर स्ट्रेस मॉनिटरिंग नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें दी हुई है, फ्लैशलाइट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, टॉर्च का यूज़ कर सकते हो आप, ठीक ठाक रोशनी आ जाती है इसमें। मुझे सबसे बड़ा डिसअपॉइंटेड वही लगा कि अगर आपने स्ट्रेस मॉनिटरिंग बोला है इसमें तो आपने दिया क्यों नहीं है, मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, बस दो ऑप्शन है, SPO2 आता है और हार्ट रेट मॉनिटरिंग आता है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है स्मार्ट वॉच में। बाकी फिटनेस है, बाकी स्पोर्ट मोड दिए हैं, उसके अलावा स्ट्रेस और बॉडी टेम्परेचर ऐसा कुछ दिया ही नहीं है।
तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए, इसे वापस कर देना चाहिए कि रखना चाहिए। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है अभी क्या करना चाहिए इसका, क्योंकि मैंने तो ये सब पढ़ के लिया था कि यार फ्लिपकार्ट में अगर बोला है कि स्ट्रेस मॉनिटरिंग देंगे, इसके बैंड की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, मैंने पूरा फ्लेक्स वो करके देखा, मोड़ मार के देखा, सब कुछ ठीक था, पर ये ब्लैक कलर का नहीं है स्ट्रैप इसका, थोड़ा सा ग्रे कलर का दिया हुआ है। अगर ब्लैक वॉच दिए आपने तो टोटल ब्लैक कलर का देते हैं तो कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है, ये ब्लैक नहीं लगता है, थोड़ा सा ग्रे लगता है, हालांकि वॉच की बॉडी ब्लैक है। ओके गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी वॉच, क्या मैं इसको रख लूँ या इसके बारे में और वीडियो बनाऊँ आगे, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।